अगर ये ब्रश पाँव पे लगा मैं सुबह ही मंगवा। मोहित अम्मी इसको समझा लें। अम्मी तो यहाँ पे ये सारे दोनों भाई मुझे मिलकर इतना तंग कर रहे थे, एक तो मैं उठ नहीं पा रही थी और ऊपर से जो है ये लोग मेरा ब्रश अपने पाँवों पे लगा रहे थे कि मैं लगा लूँगा तुम उठ जाओ तो मैं लगा दूँगा। और मैं इतनी वो हो रही थी कि अम्मी आप प्लीज़ इनको समझा लें, अम्मी प्लीज़ इनको समझा लें। और उसके बाद मुझे बताया गया कि हमने तो ब्रश अपने पाँव पे लगा लिया था और तुम अब उसी से ही ब्रश करोगी। क्या आपके भाई लोग भी ऐसा करते हैं? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अरिश मैं सुबह तुम्हें जाने नहीं दूंगी वहाँ पर गोधरा। आप उठने से पहले जा चुका मैं मोहित मैं बदतमीजी नहीं करो। अच्छा नीचे की तरफ मोहित मेरे पाँव में फ्रैक्चर है वरना अभी मैं तुम्हें बताती। ओ यो लो नहीं 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 हुआ नहीं हुआ। अम्मी अच्छा ना बेटा ना कर करो तुम फिर देखो कसम से मैं तुम सो अभी तुम्हारा गेट बजा बजा के भगवाऊंगी बच्चों से। हाँ तुम देख लेना तुम सो बच्चों से तुम्हारे कमरे का गेट ना बजवाया हूँ मैंने। गेट में होता नहीं मैं ये बता देता हूँ कि ब्रश भारी रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप नीचे सोते हो। गंदा खरबूजा आ गया मुँह में। गंदा क्या इसमें खरबूजा खाने का नहीं होता यार। और यहाँ पर जो है फरहान ने बच्चों से मुझसे मिलने के लिए आए थे और बच्चे इंतहा का तंग कर रहे थे कि नहीं पापा हमें आपके साथ ही जाना है। फरहान ने पैसे देके उनको रोका कि देखो तुम लोग ये पैसे ले लो मतलब 50-100 रुपए और चुप होकर बैठ जाओ चीज़ लेकर आ जाना। और बच्चों की डिमांड देखें यहाँ पे क्या थी, वीडियो में देखें कि बच्चों की डिमांड क्या थी कि उन्हें कितने पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? पकड़ो जल्दी चलो। हाँ इधर पापा को टाटा करो पापा जा रहे हैं। किसी करो जल्दी जाकर ये मेरी कब से प्यारी मुन्नी है ना है ना ये दोनों चिरांदी हैं है ना। अब तेरे को कौन सा खिलौना चाहिए जल्दी बता। नहीं नहीं लूंगा सब छोड़ दो मैं आपको दिला दूंगा। यहाँ पे फरहान बच्चों को टलका रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे रुक जाएं और ये चले जाएं और बच्चे रो रहे तो मैं ही लूंगा। पर जो मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि अपने पाँव की वजह से और ये लोग सब बारिश इंजॉय कर रहे हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है बारिश हो रही है इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है लेकिन हीरा आप नहा नहीं सकती है क्योंकि बच्चे 3-4 दफा नहा के आ चुके हैं। जब जब बारिश होती है तब तक छत पे पहुंच जाते हैं। प्यार से नहाइए बच्ची आराम से देखो बहुत तेज बारिश हो रही है पानी आ रहा है। और अब जो है मैं वीडियो जो आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ऐसी है मतलब मैं बैठे बैठे इतना ज़्यादा बोर हो रही थी इतना फ्रस्ट्रेट हो रही थी तो फरहान हम मुझे वगैरह मुझे और शाहजेब हम सब बाहर जो है टहलने के लिए निकले थे। और शाहजेब देखे मेरी व्हील चेयर पर मुझे गाड़ी से उतरते ही व्हील चेयर पर कैसे लेकर जा रहा था ऐसा लग रहा था उसको एक खिलौना मिला हुआ और वो इधर से उधर गाड़ी को घुमा रहा था। ऐसे रिमोट कंट्रोल गाड़ी है उसके बचपन की देखिए यहाँ पे मेरा दिल घबरा रहा था तो फरहान मुझे बाहर टहलाने लेकर आए और शाहजेब उल्टी व्हील चेयर चला रहे। और यहाँ पर जो है अम्मी बना रही है मेरे लिए पाए क्योंकि मेरे इस पाँव को काफी ज्यादा लेस की जरूरत है तो यहाँ पे मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ क्योंकि अंदर बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। और बच्चे खेल रहे क्या कर रहे हो सफान इधर अम्मी पाई की शक्ल आप वीडियो में ही दिखा दें मैं तो क्या नहीं सकती आपके पास क्या हुआ वह नहीं पाई दिखा देना बस मेरे चाहने वालों को और सबको बता दो मेरे पाई फेवरेट है पाई फेवरेट जी और मेरा ना कोरमा बहुत बता दो इधर एक पाई का आगे से देखें ना पाई कैसे देखें आगे से देखें। अच्छा ये मसाला भूल रहा है कैसे देखूं हाँ बस ऐसे ही ये सही है
और मैं यहाँ पे आराम फरमा रही अंदर बैठे बैठे इतनी ज्यादा बोर हो गई थी, कब से एक ही जगह पर हमने सुबह होती है और फिर रात यही हो जाती है, पूरा टाइम एक ही जगह पे बैठे बैठे ऐसा लगता है कमर टूट रही है दर्द के मारे, इसलिए मैंने बोला आज मैं थोड़ा बाहर निकल कर बैठ जाऊँ। आज सैटरडे, सैटरडे क्या तारीख है, सेकेंड या थर्ड मार्च है, आज सेकेंड मार्च है, सेकेंड मार्च है, और फिर 18 मार्च को मुझे जाना है दोबारा से डॉक्टर के पास विजिट के लिए, फिर देखिए आप डॉक्टर क्या कहते हैं। इतना हार्ड है, हार्ड बहुत, ये इन्होंने मेरे ख्याल से पन्नियाँ या रूइयाँ पता नहीं क्या क्या फाइबर डाला हुआ है अंदर, पत्थर का है। आज 4th मार्च है, हमें 4th मार्च है, 3rd मार्च, हाँ 3 मार्च है, सुबह के 5 बज रहे हैं, और जो है मैं पूरे दिन के बाद आज 5 मिनटों खिड़की में खड़ी हुई हूँ। कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे शिद्दत की सर्दी है, मतलब ये सर्दी 40 साल बाद आई, तो आप लोग क्या कहते हो। फिर मैंने गूगल पे सर्च करा टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर भी है 13 डिग्री, उफ बाकी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और हमारी अम्मी ने यहाँ पे फ़ैन ऑन किया हुआ है जी। और इस वीडियो में जो है मोइज़ के पीछे बच्चे एक इंतहा का पड़े हुए थे कि मोइज़ माम हमारे बाल कटिंग करवा दो, बाल कटिंग करवा दो, हम मोइज़ के बहाने देखें किस किस तरीके से बहाने बना रहा था कि आप भी अपने मैको में जाके अपने भाइयों को पीछे लगवा दी थी, बच्चों को पीछे लगवा दी थी अपने भाइयों के, जाओ इन लोगों के बाल कटवा के आओ, ये भी मुझे बताएगा जरूर। घर आके माम के नखरे बोले जा रही हूँ बच्चों को बाल कटवा के आ जाओ, मुझ जाओ बाल कटवा के आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ। अम्मी आप देख रही हैं इसे, जफान जाओ पीछे लग जाओ माम के, जाओ जफान जल्दी जाओ, जफान पीछे लग जाओ, जाओ जफान कटवाओ माम से बाल, बोलो माम लेकर चले। Let me call to Haris. Haris के साथ बाल कटवाने जाओ। Yes. क्यों, वो छोटा बच्चा है जो उसको पकड़ेगा। Haris is my best friend. Best friend जिसे महीनों महीनों नहीं मिलते हैं। Yes. यही तो best friend ही होती है। Best friend ही? What is best friend ही? अरे अभी थोड़ी देर बाद फोन करो, अजीब इंसान हो तुम। अब तू हम लोग भूल चुके हैं इरा की बर्थडे और मोहित क्या कह रहा है। मोहित कब कॉल करी थी आपने? 5 बजे शाम। इरा को इन्होंने 5 बजे फोन पे फोन किया, बन जा रहे थे भाई इसका, मेरा मतलब नहीं आ रहा। झूठे झूठे, इतना झूठा आदमी है ये हमारा भाई। फितरत बिजनेस करते ना, क्या करें, बिजनेस में मतलब झूठ बोले जाते हैं, बोलना पड़ता है भाई। कितना फितरत बन जाए आपकी, इतना झूठ। अच्छा जैसे मैं तंदा रहा हूँ, क्या फितरत है बिजनेस में झूठ बोलना, जैसे जैसे कुछ भी बता नहीं सकते ना हम अपने काम के बारे में, क्या बताएं। अच्छा जी, क्या चीज, झूठ थूक, जैसे झूठ थूक। थूक बंदल थूक झूठ, मतलब आपकी फिलॉसफी के मुताबिक झूठ थूक है। मेरी जिंदगी में मैं जब बोलता हूँ काम के बारे में झूठ बोलता हूँ, मुझे इतना पता कोई तो मुझे झूठ बोल दिया। ये अच्छी बात नहीं है, आप ऐसे अच्छी बात नहीं का मतलब है, आप ऐसे तरक्की नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं आप बहुत तरक्की करे लेकिन आप झूठ का सहारा लेके नहीं करे, मतलब माल निकला है रास्ते में है माल, मतलब पहुंचने वाला पहुंच चुका है, बोलता रहा हूँ ये झूठ एक थूक की तरह है, रास्ते में थूक दी। तो यहाँ पर फाइनली आज मैं जा रही थी घर पर और सारी पैकिंग वैकिंग हो रही थी और मेले वगैरह कपड़े में अरीश ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करी थी। अरीश ने जितने भी मेले कपड़े थे वो सब मेरे निकाल कर, मतलब जो मेरे कपड़े बचे हुए थे बाकी धुल गए थे, जो बचे हुए थे वो
कट्टे में आप देखें किस तरीके से भर रहे हैं, पांवों को अंदर डाल डाल के भर रहे हैं। आप इसकी हरकतें देखें। तहरीर साहब मेरे मेले कपड़े हमारे ही कट्टे में भरते हुए। अम्मी पांव से कर रहे हैं ये। हाँ अंबानी का, अंबानी तुम नहीं, अंबानी आपसे चावल लेते हैं? हाँ 11 की चावल। कितने का देते हो? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, वैसे क्या रेट है? 400 रुपए किलो है भाई। वो अंबानी है ना इस चक्कर में, इंडिया से मेहमान खरीदा है, बिरयानी की दुकान खोल ली अंबानी ने। अच्छा अंबानी ने कट्टा खरीदा, इन्होंने रुबा की दादी। चलो भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये मेरे मेले कपड़ों का पोटरा। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। और यहाँ पे फाइनली अब मैं घर जा रही थी और सारे पैकिंग वगैरह सब हो चुकी थी, गाड़ी में बैठ चुकी थी। आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ, जब भी मुझे ये घर नहीं जा रही थी हॉस्पिटल, तो जब भी मुझे मतलब अम्मी के घर से मुझे अम्मी के घर पे मैं रुकने जाती हूँ, मेरे जितने भी बैग्स हैं सारे मेरे भाई लोग उठा के ऊपर लेकर जाते हैं, फरहान छोड़कर कमरे में वो नीचे गाड़ी में आ जाते हैं, कहते हैं नहीं तुम्हारे भाई लोग लेकर आएंगे, तो ये लोग भाई ऊपर ही लेकर जाते हैं। जब मुझे घर से वापस आ रही थी तब भी यही लोग नीचे उतरते हैं, और इस दफ़ा तो ऐसा था मुझे भी अरीश ही गोद में लेके बार बार उतर रहा था, चढ़ रहा था। मैं जितनी दफ़ा हॉस्पिटल गई और कहीं गई मतलब कहीं पर भी, और ये जो आपने वीडियो देखी कि थोड़ी देर के लिए बाहर जो लेके गए थे फरहान मुझे, इस पर भी अरीश मुझे गोद में यूं करके उठा के मुझे ऊपर भी लेके चढ़ा और नीचे भी लेकर आया। काफ़ी बहुत 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 मदद करी। कई दफ़ा तो मोइज ने मुझे मतलब मैं वॉशरूम में खड़ी होती थी, मुझसे निकला नहीं जा रहा होता था, मतलब मैं कैसे आऊँ, मेरे पाँव कप कपा रहे होते थे क्योंकि पूरा जोर मेरे एक पाँव पर होता था। तो जो है मोइज ने कई दफ़ा मुझे गोद में उठा के बाहर लेकर आए, शाहजेब ने जल्दी से चेयर रखी है, दोनों भाभीियों ने इतनी हेल्प करी है, तो इतना अच्छा टाइम गुजरा है। मैं अपने इस वक्त को तो कहते हैं मतलब कहते हैं बुराई वाला टाइम ऐसा होता है कि ना हमें मतलब बहुत बुरा लगता है ये वो, लेकिन ये मेरा वक्त है मेरी फैमिली की वजह से इतना अच्छा गुजरा, इतना अच्छा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा मिला, मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा मिला, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। तो आज का मैं व्लॉग अपना यहीं ख़त्म कर रही हूँ, होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोग मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।